आजाद मणिपुर हुकूमत का बीजेपी सरकार को बड़ा झटका। भारत से अलैदगी के ऐलान के बाद जिला वतन हुकूमत ने सरकारी वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया। भारत के टुकड़ों में तकसीम का अमल जारी है और मुख्तलिफ रियासतों में अलैदगी की तहरीकें जोर पकड़ती जा रही हैं और ऐसे में भारत से अलैदगी इख्तियार करने वाली आजाद रियासत मणिपुर की जिला वतन हुकूमत ने सरकारी वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रियासत मणिपुर की जिला वतन हुकूमत ने वेबसाइट के इफ्तिताह का ऐलान किया। वेबसाइट का इफ्तिताह आजाद रियासत मणिपुर काउंसिल के वजीर आजम यामबीन बायरन ने किया, जिसके जरिए रियासत मणिपुर की जिला वतन हुकूमत दुनिया तक अपनी आवाज पहुँचाएगी। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में भारत के ज़ेरे कब्ज़ा रियासत मणिपुर के महाराजा के नुमाइंदों ने लंदन में मणिपुर रियासत काउंसिल के कयाम का ऐलान किया था। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी के भारत में हमारे लिए कोई जगह नहीं, आलमी दुनिया और भारत हमारी रियासत को तस्लीम करे और हमें भी जीने का हक दे। Opposing Manipur merger agreement. इस मौके पर वजीर आला रियासत मणिपुर काउंसिल यामबीन ने मणिपुर को आजाद रियासत तस्लीम करने की अपील करते हुए कहा था कि भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा की करारदाद की खिलाफ वर्जी की और हम इस सिलसिले में मलका बरतानिया को करारदाद पेश करेंगे। प्री मर्जर स्टेटस डिमांड, कबो वैली इशू, इकोनॉमी टर्मोइल, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स एंड पोर डेवलपमेंट, मिसगाइडेड एजुकेशन सिस्टम, रेसिज्म, किलिंग ऑफ मणिपुरी इन मेनलैंड इंडिया। बादजा रियासत मणिपुर काउंसिल के वज़रा के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का बाकायदा ऐलान भी किया गया था।